हमने नोटपैड का लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है, जिसमें हम आपको कमांड सेव एज, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, कट, कॉपी, पेस्ट एंड सेलेक्ट टेक्स्ट, ये सब आपको कराएंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले अब क्या करना है, स्टार्ट पे जाके सर्च बार पे नोटपैड को क्लिक करना है, नोटपैड प्रोग्राम आ जाएगा। कल हमने जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो न्यू, ओपन और सेव था। आज हम सेव एज पढ़ेंगे। सेव एज का मतलब ये है कि आपने पहले से कोई मौजूद फाइल बनाई हुई है, उसमें कोई तब्दीली करते हैं। जब आप तब्दीली करेंगे तो उसको फिर सेव नहीं करना बल्कि सेव एज कर देना है। और सेव एज करने से क्या होगा, जो पहली फाइल जिसमें आपने कोई तब्दीली की थी वो वैसी रहेगी जैसे थी, और जो आप सेव एज करोगे वो दूसरे नाम में सेव हो जाएगी, और पहले वाला डाटा जिस नाम का था वो वैसे रहेगा और सेव एज दूसरे नाम में सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कोई फाइल मैं ओपन करता हूँ, पहले मैं फाइल ओपन करूँगा। ये सलीम की मैंने फाइल पहले बनाई हुई है, ठीक है। ये सलीम, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और एड्रेस मुजफ्फरगढ़ और डेट दी हुई है। अब दूसरा बंदा कहता है कि मेरी एक फ़ाइल बनाए, तो अब बजाय इसके हम नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, टेस्ट डेट दोबारा लिखे, तो इसी जगह पे दूसरे बंदे का नाम लिख लेंगे, सुलेमान रखा। अच्छा, भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमने तब्दील कर गया और मुजफ्फरगढ़ की जगह हमने लाहौर लिख लिया, भी डेट हमने तब्दील कर दी, ये 5 लिख दी, ठीक है जी। अब इसको हमने यहाँ आके सेव नहीं करना, अगर सेव करेंगे तो ये फाइल सलीम वाले, ये जो नेम है इसमें सेव हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको सेव एज कर देना है। सेव एज करने से अब हमने क्या करना है, यहाँ नेम देना है सुलेमान का, जिसका नाम हमने वहाँ लिखा था, तो ये सेव हो जाएगी। अब जब हम न्यू पेज लेंगे, न्यू पेज लिया, अच्छा अब सलीम अपनी फाइल देखना चाहता है, ओपन पे जाएंगे और यहाँ सलीम की देखें फाइल जैसे थी वैसे पड़ी हुई है, और सुलेमान की फाइल ओपन करके देखेंगे तो वो अलहदा नेम में पड़ी हुई है। तो ये हो गया हमारा सेव एज का लेक्चर। अब पेज सेटअप है, प्रिंट और एग्जिट, ये हम इंशाल्लाह आपको आगे वाले जो एडवांस प्रोग्राम है उनमें पढ़ाएंगे, ताकि अब हमारा वक्त यहाँ वेस्ट ना हो। आगे वाले जो एडवांस प्रोग्राम है उनमें हम ये चीज़ समझ लेंगे।